एक और नए व्लॉग में आप सभी का वेलकम है। और चलते चलते मुझे पता लगा कि यहाँ पर एक और बहुत पुराना मज़ार है। ये मज़ार है हज़रत दानिश फरीदी रहमतुल्लाह अलैह का। और यहाँ की लोकेशन क्या है? ये है ज़िला बरेली, शीशगढ़ इलाका है, भोलापुर शायद बोलते हैं इसको, भोलापुर शीशगढ़ एरिया में ये मज़ार है। और सैयद दानिश फरीदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और ये मज़ार मैं अंदर से आपको दिखाता हूँ, आइए चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत मज़ार है। ये नया गेट तामीर हो रहा है जो अभी बनने वाला है। और ये मज़ार है, मज़ार के आसपास ये पेड़ पौधे, हरियाली। तो ये मज़ार शरीफ के अंदर का हिस्सा। और ये हज़रत सैयद दानिश फरीदी रहमतुल्लाह अलैह। और ये है मज़ार शरीफ का मेन दरवाज़ा और अंदर है मज़ार शरीफ। और मज़ार शरीफ के आसपास यहाँ पर खेत हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लंगर कर रहे हैं। ये मज़ार शरीफ की गुंबद। ये मज़ार का बाहर का साइड और ये मज़ार का दूसरा दरवाज़ा। तो दोस्तों, एक और मज़ार के बारे में मुझे पता लगा है जो कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है और जिसको तकिया शरीफ के नाम से जाना जाता है। तो आइए चलते हैं और दिखाता हूँ आपको मैं वो मज़ार। ये हम आ चुके हैं तकिया शरीफ। ये सामने तकिया शरीफ का मज़ार शरीफ, आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत मंज़र। और सामने ये मज़ार शरीफ का मेन दरवाज़ा। तो यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ ना बोलकर आपको सिर्फ ये मज़ार दिखाते हैं। ये रहा मेन मज़ार जो सामने आप देख रहे हैं। तो चलते चलते मुझे इन दो मज़ार के बारे में पता लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आप लोगों को भी बताया जाए। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।